इंडिया आर्मी का भर्ती निकला, ये भर्ती है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस कटिहार का, और ये आर्मी रिकमेंडेड डायरेक्ट होगा गढ़वाल ग्राउंड आर्मी कैंप कटिहार, जो कि 4 जनवरी 2020 से 16 जनवरी 2020 तक ये आर्मी रिक्रूटमेंट रैली आयोजित होगा। ये आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट लेवल कैंडिडेट भाग ले पाएंगे, ईस्ट बिहार के, अररिया और डिस्ट्रिक्ट सुन लीजिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट भाग ले पाएंगे, अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, माधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल। ये डिस्ट्रिक्ट एलिजिबल कैंडिडेट इस साल मेरी रिक्रूटमेंट रैली में भाग ले पाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 नवंबर 2019 से 19 दिसंबर 2019 के बीच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाला ही कैंडिडेट आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में भाग ले पाएंगे। और एडमिट कार्ड आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा, जो कि 20 दिसंबर 2019 से 3 जनवरी 2020 के अंदर आपको कभी भी भेजा जा सकता है, आप चेक करते रहिएगा। कैटेगरीज वाइज क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट आप पढ़ लीजिएगा। रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड देखिए, कैटेगरी वाइज हाइट चेस्ट टू वेट पर जो छूट दी जाएगी, कौन सी कैटेगरी हो कितनी, सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्सर्विसमैन, सन ऑफ वार विडो, विडो सब एक्सर्विसमैन, इन कैटेगरी वाले को हाइट पर 2 सेंटीमीटर, चेस्ट पर 1 सेंटीमीटर, वेट पर 2 kg का छूट दिया जाएगा। एडोप्टेड सन, सन ऑफ वार विडो, लीगली एडोप्टेड सन ऑफ सर्विस सोल्जर, एक सर्विसमैन, हाइट पर 2 सेंटीमीटर, चेस्ट पर 1 सेंटीमीटर, वेट पर 2 kg का छूट दिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पहला और दूसरा पोजीशन में बीते 2 वर्ष में, इन कैटेगरी वाले को हाइट पर 2 सेंटीमीटर, चेस्ट पर 3 सेंटीमीटर, वेट पर 5 kg का छूट दिया जाएगा। छूट कोई भी एक कैटेगरी पर दिया जाएगा, जैसे कि सर्विसमैन, एक सर्विसमैन पे या फिर स्पोर्ट्समैन पे, ना कि दोनों पर। अब आइए फिजिकल फिटनेस टेस्ट में, 1600 मीटर का दौड़ होगा, पहला ग्रुप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर 60 मार्क, दूसरा ग्रुप 5 मिनट 30 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर 48 मार्क। उसके बाद आपको पुलअप्स, जो कि पुलअप्स आते हैं, आपको पूरा स्ट्रेट होकर लगाना है पुलअप्स, 6 पुलअप्स मिनिमम आपको क्वालिफाई के लिए लगाना है, 6 पर 16, 7 पर 21, 8 पर 27, 9 पर 33, 10 पर 40, 9 फीट डेढ़ और जी जे बैलेंस, 9 फीट डेढ़ जो लॉन्ग जम्प होता है लंबी कूद वो, और जीजे बैलेंस, दोनों सिर्फ क्वालिफाई के लिए करवाए जाएंगे। उसके लिए आपको 2 से 3 अटेम्प्ट मिलेगा, उसके अंदर आपको क्वालिफाई कर लेना है। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हुआ, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पे आपका हाइट वेट चेस्ट और बायोमेट्रिक होगा, मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट का मेडिकल टेस्ट, तो अगर आप फिट होते हैं तो क्वालिफाई करेंगे रिटर्न एग्जाम के लिए, और अनफिट होते हैं तो आपको री मेडिकल यानी स्पेशलिस्ट रिव्यू मेडिकल के लिए सामना करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स है उसके ओरिजिनल, उसके साथ जेरॉक्स कॉपी दो लेकर जाइएगा, एडमिट कार्ड फोटोग्राफ 20 कॉपी लेकर जाइएगा, कलर फोटोग्राफ, अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज, एजुकेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, वही 12th, डोमिसाइल नेटिविटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट, स्पोर्ट सर्टिफिकेट, एफिडेविट, उसके साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड। के पास जितने डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट है सबके ओरिजिनल, उसके साथ 2 जेरॉक्स कॉपी लेकर जाइएगा। दो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए अधिक जानकारी के लिए www.joinindianarmy.nic.in पे आपको सभी जानकारी मिल जाएंगे।
कार्ड कार्ड भी वही आएगा, फाइनल रिजल्ट भी आएगा, रजिस्ट्रेशन पर वही करवाना है, नोटिफिकेशन भी वही देखना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है 0645223905। एफिडेविट का फॉर्मेट दिया गया है, ये फॉर्मेट है रिलेशन वाला, फादर सर्विसमैन वाला है। इसके बाद का जो है अपेंडिक्स बी वाला, उसको सभी को फिलअप करके लेकर जाना है, उसका भी जीरोक्स ही चाहिए। इंडेमनिटी बॉन्ड को फिलअप कर लीजिएगा, उसको भी नोटिफिकेशन जो है इंग्लिश में और हिंदी में दिया गया है, आपको जिसमें समझ में आता है उसमें आप पढ़ लीजिएगा, ऊपर में है इंग्लिश में, उसके बाद है हिंदी में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।